Oh God! Oh God! Oh God! क्या करूं मैं? इसे नहीं छोड़ूंगा आज, इसे नहीं छोड़ूंगा आज, इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उठूंगा पूछों वाले साथ। इस पर तो कोई असर नहीं होता, इसने तो कुंभकर्ण को मात कर दिया। अगर ये बॉर्डर पर होता है तो इसका कोर्ट मार्शल कर देता मैं। अरे अरे ओ मेजर साहब, ओ मेजर साहब, अरे आधी रात को कोर्ट मार्शल को क्यों बुला रहे हो? कुछ सिलवाना है क्या? ए यू इडियट सिविलियन, यू शट अप, आई से यू शट अप एंड गो टू स्लीप। अरे मेजर कैसे बात करते हो? अरे फौज में होकर शराब से नफरत करते हो? चोरी छिपे कभी कभी तुम भी तो पीते हो। हाँ क्या शेर बन गया आदम? मैं शराब पीता हूँ, शराब मुझे नहीं पीती। कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? खाली बोतल की तरह हो गया, खाली बोतल की तरह। मेजर तुमने शराब पी कहाँ है, सिर्फ चखी है। अरे पी कर देखो, जब ये अंदर जाती है ना तो इंसान के होश बाहर आ जाते हैं, और जब होश बाहर आते हैं तो आदमी बेहोश हो जाता है, और जब बेहोश हो जाता है तो उस पे इन खराटों का कोई असर नहीं। I say you shut up, otherwise I will shoot you. शूट करने के लिए बंदूक की जरूरत होती है, और तुम्हारे पास बंदूक क्या, बंदूक की तस्वीर भी नहीं है। I say shut up. Oh God, ये वार्डन को मुझसे क्या दुश्मनी है? इस खराटू सांड को मेरे कमरे में भेज दिया, एक हफ्ता हो गया परेशान हूँ, नींद नहीं आ रही मुझे। अरे उठो मेरा खराटू, अबे सांड उठ। रजा, एमैन, रजा, एमैन। कौन है बे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बोलता है, मैंने देख लिया है, छुपाओ मत। इधर लाओ, बोतल छुपाने से स्मेल नहीं छुपता, चलो हमको दो जल्दी। आज आप दिन में ही पियेंगी। हम तुम्हारी माफिक बेवड़ा नहीं है, ये बोतल इधर आना तो तुम अभी खाली कर देगा। बात करता है, आज इश्क में न लैला न हीर बाकी, इस निशाने बाज की कमान में अभी भी है तीर बाकी। मैं तो शेर पढ़ रहा था, अच्छा लगा ना? आदाब। मैडम मुझे आपसे बात करनी है। काय को? अच्छा हुआ आप आ गई, वरना मैं आपके कमरे में आता। क्या बात है? मैडम ये मोटा मुझे सोने नहीं देता, रात भर जगाता है। इससे अच्छी नींद तो मुझे बॉर्डर पर गोला बारूद के बीच में आती थी। ओ, इसका मतलब बॉर्डर पे आप लड़ाई की जगह सोते थे? शराब पी लिया। मैडम प्लीज मुझे दूसरा कमरा चाहिए। अब हम दूसरा कमरा किधर से लाएगा? तुम्हारा वाइफ साथ में होता तो दूसरा कमरा मिल सकता था, लेकिन बैचलर लोगों के लिए एक कमरे में तीन को रखने का ऑर्डर है, समझा तुम? मैडम प्लीज कुछ कीजिए ना। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कर सकता, हम मजबूर हैं। आहा, मजबूरी पे एक बड़ा खूबसूरत शेर याद आया। मैं ये तुम्हारा शेर और हाथी सबको अपना भेजा के पिंजरा में बंद रखो, समझा? शांति बस कर। अरे बाप रे, ए ये बुड्ढा लोग खाली पीली बॉम्ब मत। हे मैन, ए सुबेदार। मेजर शांति बस कर। अरे बाप रे, अब विलन आएगा मुझे लगता है। शांति बस कर, जाना चाहिए ना, भागना चाहिए उसे। ओ भगवान इसको बोल बस करे। पागल कहीं की। अरे मैं ध्यान कैसे लगाऊं भगवान अपनी पूजा में? ओहो शांति, ये तेरी उम्र पिक्चरें देखे की नहीं है, घंटी बजाने की है, पूजा पाठ करने की है, माला जपने की है। भगवान तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। अरे माँ बाप ने इसका नाम तो शांति। बस अरे बस, तुम दोनों फिर से लड़ने लग गया। अरे मैडम ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक ये मुझे टीवी देखने से रोकेंगे। जैसे पिक्चर का क्लाइमेक्स शुरू होता है ना, इनकी पूजा शुरू हो जाती है, सुबह से पूजा की घंटी बजाते रहते। अरे यहाँ जिंदगी का क्लाइमेक्स चल रहा है। ए मैन, तुमको इनके टीवी देखने से क्या प्रॉब्लम है? अरे मैडम मेरी पूजा में बाधा पड़ती है, और क्या होता है? मैडम जरा इनसे पूछिए इनका ध्यान कहाँ होता है, पूजा में या टीवी में? ध्यान लगाने क्या फायदा? लिसन, तुम कम वॉल्यूम में टीवी देखो और तुम धीरे से घंटी बजाओ, समझा तुम लोग? मैडम इसकी वॉल्यूम मैं कैसे कम करूं? अरे मैं भी कैसे कम करूं, ये नहीं चल रहा। तेरे पास रिमोट है ना? घंटी रखो, आवाज बंद हो जाएगी। ओह गॉड। मैडम मैडम आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व करिए, ये देशमुख के खराटों को बंद करिए, वरना मैं। वरना क्या कर लोगे तुम? मैं यहाँ पर वार्डन हूँ, तुम्हारी नौकरानी नहीं समझे? सुबह से बक बक करके हमारा दिमाग खराब करके रखा है तुमने।
अब हम यहाँ पर किसी को कुछ नहीं बोलेगा, जिसको जो करने का है करो। तुमको इधर रहने का है तो रहो, वरना जाओ यहाँ से। इधर किसी को किसी का जरूरत नहीं है, समझा? तुम निकलो यहाँ से अब। सोनाली, अरे बेटा तू कब आई कॉलेज से? बेटे अचानक क्या बात है, कॉलेज की छुट्टियां हो गई क्या? अरे बोलती क्यों नहीं तू? क्योंकि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। अरे क्यों नहीं बात करना चाहती? क्योंकि आप झूठे हो, चीटर हो। मैंने क्या झूठ बोला बेटा? तो तू आज तक आप क्या कहते आए कि आप यहाँ बहुत खुश है, राज कर रहे हैं, हर कोई आपको चाहता है, प्यार करता है। ये किस तरह का प्यार है दद्दू? वो औरत आपसे क्या क्या कह के चली गई और आपने सब कुछ सहन कर लिया। देख बेटा, जिसे सुबह की रोशनी का इंतजार हो ना, उसकी रात बहुत बड़ी होती है। और मेरी रोशनी तो तू है। जिस दिन तेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तो मैं इतनी मतलब ही नहीं हूँ कि आपके पेंशन के पैसे से मैं आराम से पढ़ाई करूँ और आप यहाँ लावारिस की तरह इस आश्रम में रहे। आपने अपने आप के लिए किया ही क्या है? सारी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम कर दी और आपके भाई ने प्रॉपर्टी मिलने के बाद ही आपको भुला दिया। नहीं दद्दू, मैं आपको बेसहारा नहीं करूंगी। मैं और पढ़ाई नहीं करना चाहती, मैं अब बस यही रहूंगी। बेटे तेरा लास्ट ईयर है, बस इम्तिहान दे दे। आपने मेरे इम्तिहान के इंतजार में अपनी जिंदगी की इम्तिहान दे दी। नहीं तो मैं नहीं पढ़ना चाहती। देख बेटा, मेरी उम्मीदों पर पानी मत फेर। सोनाली, तेरे माँ बाप को मरते वक्त मैंने वचन दिया था कि तुझे दादा की तरह नहीं बल्कि माँ बाप की तरह पालूंगा। बेटा आपने तो माँ बाप से बढ़कर बड़ा फर्ज निभाया है। आपने जो किया है शायद ही मेरे माँ बाप कर पाते। तो मुझे जिंदगी देने में आपने अपने आप को मार दिया। बेटा रोना नहीं, रोते नहीं है। मैं कहाँ रो रही हूँ दत्तू, रो तो आप रहे हैं। मैं कहाँ रो रहा हूँ बेटा? आप रो रहे हैं। Attention, young lady, ma'am. Die mood, chal. कहाँ ले जा रही बेटा? चलो दस। Excuse me. What? आप यहाँ की वार्डन हैं, कोई मालकिन नहीं जो इन पर रौब जमाती रहती है। आपका काम है इनकी देखभाल करना, इनसे प्यार से बात करना। तुम हमारी बात करता है? अगर यहाँ पर जानवर भी आएगा ना, वो इंसान बन जाएगा, क्योंकि प्यार भी जानवर को इंसान बना देता है। अगर आप ठीक तरीके से इनकी देखभाल नहीं कर सकते तो कोई केयरटेकर बुला लीजिए। अच्छा, तुमको क्या लगता है हमको क्या टेंशन लेने का शौक है? ये देखो, ये देखो, ये देखो, कितना न्यूज़पेपर का कटिंग, कितना एड दिया है हमने, पढ़ो इसे। पर इधर आने को कोई रेडी नहीं है, समझा तुम? अरे यंगस्टर्स को इनका जरूरत नहीं है और बुढ़ा लोग इनकी देखभाल नहीं कर सकता, और वैसे भी इन लोगों का बीच आकर कौन अपना फ्यूचर खराब करेगा? और फिर आजकल का यंगस्टर्स तो अपना पेरेंट्स का केयर नहीं करता, इन बुढ़ा लोग का केयर करेगा? आपका सोचना बिल्कुल गलत है मैडम। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो प्यार के बदले प्यार बांटना चाहते हैं। कौन है तू? मेरा नाम विधांत वर्मा है और मैं यहाँ का केयरटेकर बनकर रहना चाहता हूँ। नौकरी मिलेगी मुझे? हाँ नौकरी तो मिलेगा, पर पता है सैलरी कितना है? जिंदगी गुजार सकूं इतनी मिल जाए बस काफी है। अरे यंग मैन, क्यों बूढ़ों के बीच में अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे भी जिंदगी में कुछ मिलता नहीं है, इंसान को जो कुछ भी चाहिए हासिल करना पड़ता है।
मैं यहाँ जिस चीज की तलाश में आया हूँ उसे हासिल करके रहूंगा। अच्छा, क्या हासिल करने आए हो तुम? बस जरा सी जिंदगी। आर यू मैड यंग मैन? हम बूढ़ों के बीच में जिंदगी तलाशने आए हो? हम सब तो टिमटिमाते हुए दिए हैं, किसी की जिंदगी में तेल बाकी नहीं। जाने कब कौन सा हवा का झोंका आए और दिए को बुझा कर चला जाए। हवा के झोंके से तो तेज जलने वाले दिए भी बुझा करते हैं। मेरा सोचना है कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। कम जियो मगर खुलकर जियो, ताकि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी मौत नहीं जिंदगी को याद रखें। पटेल, तुम क्या सनक गए? अकेले खेल रहे हो? वो तुम्हारा हारने वाला पार्टनर कहाँ है? अरे कहीं कोने में दुबक कर बैठा होगा, दारू पी रहा होगा। लगातार 4 साल से हार रहा है कमबख्त। शतरंज में हार रहा है लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा वो। लो, क्यों आ गए? क्यों कर रहे थे हमारी बुराई जनाब? अगर हम होते यहाँ पर तो देते सही जवाब। हम तो आपकी तारीफ कर रहे थे। आप झूठ बोल रहे हैं, आप मेरी खिंचाई कर रहे थे। लेकिन मियां, आज हम ये गेम जरूर जीतेंगे। एक और ट्राई मार लो, लेकिन आओ शुरू तो करो। ये लीजिए। अरे तुम लोगों को पता है, हमारी देखभाल के लिए एक जवान केयर टेकर रखा गया है। जवान केयर टेकर? अरे हमारे लिए क्यों? हम कोई बच्चे? क्या शेर बनाया? हमारी सेवा करेगा? हम कोई बच्चे? अरे थोड़े बुड्ढे हैं और अकल के कच्चे हैं। अरे ऐसे कई जवान केयर टेकर आए और चले गए। ये भी 2 दिन में हमसे घबरा के चला जाएगा। और फिर जवान लोगों का क्या भरोसा? अरे धोखेबाज होते हैं, मक्कार होते हैं। मेरी बीवी बुरी नहीं थी। बस ये हाँ, मेरी बीवी बुरी नहीं है। वो गद्दार उसे अपनी जवानी और खूबसूरती के जाल में फंसाकर भगा ले गया। अरे अरे मुझे तो इन जवानों से नफरत है। इनमें वफादारी नहीं होती, मतलब ही होते हैं। अपने मतलब के लिए ये किसी का भी खून कर सकते हैं। अरे मेरा बस चले ना तो इन जवानों को गोली मार दूं। ये ना किसी के हैं और ना ही किसी के होंगे। मैं विधांत हूं, यहां का नया केयर टेकर। ऑल द बेस्ट फॉर योर गेम। बेटा अभी अभी तो आया है, अभी फिर जा रहा है। कुछ देर हमारे साथ भी गुजार ले। ओहो पापा, पापा मुझे अपने दोस्तों के साथ डिनर पर जाना है, और फिर आपके साथ तो मैं कभी भी बैठ सकता हूँ, पूरी जिंदगी पड़ी है। देख वेदांत, जब हम नहीं रहेंगे तो तुझे हमारी याद आएगी। कम मोहन पापा, कैसी बातें करते हो। पापा, 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 पापा। मेजर साहब सोने दे। बिल्कुल नहीं सोने दूंगा। मेजर साहब सोने दे। सही सोने दूंगा। मेजर साहब सोने दे। नहीं सोने दूंगा। मेजर साहब मेरी जान ले ले तो कोई बात नहीं, अगर मेरी नींद में टांग अड़ाने की कोशिश की तो अरे देशमुख हिम्मत मत हारना। क्या करेगा तू है? आज मैं सोने नहीं दूंगा। तुझे भी तो पता चले कि जब एक रात नींद नहीं मिलती तो इंसान की क्या हालत होती है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये इतनी रात गए महफिल किस खुशी में? मेरे उसको सोने नहीं दे रहे। अरे क्या सोने नहीं दे रहे, सोने नहीं दे रहे? एक रात नींद नहीं मिली तो सोने नहीं दे रहे, नींद नहीं आ रही। और यहाँ हफ्तों से मेरी नींद पर गोला बारूद दाग रहे। उसका क्या? गोला बारूद मतलब? देशमुख जी के खराटों को ये गोला बारूद कहते हैं और मजबूरी में इनके खराटे सहते हैं आराम से। अरे मेरे खराटे से मेरी नींद नहीं उड़ती तो इनकी कैसे उड़ती है?
यू सिविलियन, शट अप, नकली दांत दिखाता है बेवकूफ। सुनिए सब, आप यहाँ के केयर टेकर हैं, आप इस प्रॉब्लम का हल करिए, या तो इन्हें बाहर निकालिए या मुझे कोई दूसरा कमरा दीजिए। हाँ, इनका फैसला करा ही दीजिए। क्या है, इन लोगों के रोज रोज के झगड़े सुन के ना सारा देश ठहर गया है। सिविलियन इडियट है साला। वैसे वैसे सुनो, वैसे इनकी प्रॉब्लम का सॉल्व करने का आइडिया मेरे पास है। बताइए बताइए, क्या आइडिया? ये, इसे पीने से आदमी अपने आप में ही रहता है ना, उसको किसी के खराटे सुनाई देते हैं और ना ही किसी का गोला बारूद। इसमें ऐसी खास बात क्या है? पकड़ना जरा, आप ट्राई करके देखो। ये तो कंट्री है, हम तो भैया इंग्लिश पीते हैं। आप भी? अरे भाई, कंट्री का नशा तो लोगों के दिलों से निकल चुका है, अब थोड़ा बहुत जो इस बोतल में बचा है उसे तो सीने से लगा रहने दीजिए। ऐसे रजा साहब, बातों से तो आप आदमी ए ग्रेड लगते हैं, शौक फरमाते हैं आप सी ग्रेड शराब का। एब्सोल्युटली करेक्ट, ही इज अ ब्लडी जमादार। कहिए तो इंग्लिश मिला दूं आपको। ए केयरटेकर, तुम यहाँ लोगों की देखभाल करने आए हो या लोगों का टेस्ट बदलने? देखिए मेजर साहब, आदमी को बदलने के लिए उसका टेस्ट बदलना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, आज हम भी इंग्लिश पी के इंग्लिश पानी हो जाएंगे। वो ब्लडी सिविलियन, तुम क्या इंग्लिश पिएगा? देखिए मिस्टर केयरटेकर, पहले आप मेरी और देशमुख की प्रॉब्लम सॉल्व करिए, उसके बाद रजा के बारे में सोचिए। देशमुख साहब, आप चलिए मेरे साथ। नहीं, मेरे कमरे में सोइएगा। अरे जाइए जाइए, कुछ दिन आपकी नींद उड़ेगी खर्राटों से, तब पता पड़ेगा। मेजर साहब, मुझे खर्राटों की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं इनसे कई ज्यादा तेज खर्राटे लेता हूं। वैसे भी खर्राटों से मैं कभी घबराया नहीं हूं, घबराता हूं तो सिर्फ सन्नाटे से। चलिए देशमुख साहब। वैसे भी खर्राटों से मैं कभी घबराया नहीं हूं, घबराता हूं तो सिर्फ सन्नाटे से। रजा साहब, रजा साहब, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उठिए उठिए, सुबह हो चुकी है। अरे तो क्या करें, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। मगर आज की सुबह का रंग ही कुछ और है। लीजिए चाय पीजिए। चाय? क्यों, चाय नहीं पीते आप? जब से चाय पिलाने वाली भाग गई है, तब से चाय का जायका ही भूल चुके हैं। अब तो मियां, सुबह की चाय की जगह बस ये है। अरे रजा साहब, ये क्या पीते रहते हैं आप, छोड़िए इसे, छोड़िए। अब देखिए तो सही, मैं क्या लेकर आया हूं आपके लिए। ये क्या है? इंग्लिश। इसके पीने से इंसान के अंदर एक नई चुस्ती, एक नई फुर्ती, एक नई हिम्मत पैदा हो जाती है, मुंह से बदबू भी नहीं आती, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंसान लड़खड़ाता भी नहीं है। लड़खड़ाता नहीं? इसका नशा कैसा होता है? इसका नशा जो होता है रजा साहब, वो अपने लिए होता है। आप जो पीते हैं ना, उसका नशा अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा होता है। इसलिए यहां के सारे लोग आपसे लड़ते रहते हैं, अपना भी नुकसान, दूसरों का भी। और इसी वजह से आप पटेल साहब से चेस में हारते रहते हैं, बुराइयां करते फिरते हैं आप। इसे पीने से पटेल से चेस में जीत जाऊंगा? ऑफकोर्स जीत पाएंगे। इसकी वजह से आपके दिमाग को एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। आप चखो तो देखिए। इसका स्वाद कैसा? इंग्लिश का स्वाद तो ऐसा ही होता है। ये वाकई शराब है क्या? और नहीं तो क्या, और कुछ ही समय में ये अपना कमाल दिखाना शुरू कर देगी। आप चलने के बजाय दौड़ने लगेंगे। अरे जो ठीक से चल नहीं पाता उसे तुम दौड़ाने की कोशिश कर रहे हो, रजा साहब को जानते नहीं है? वो चाहे ना तो वर्जिश में आपका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा ये? ये मेरा रिकॉर्ड क्या तोड़ेगा, अपनी हड्डियां तोड़ लेगा बुड्ढा। मैं बुड्ढा? तुम अपने बाल काले करके अपने आप को बड़ा जवान समझते हो। आपके कहने का मतलब क्या है, इनमें ताकत नहीं है? एकदम खोखला है, खोखली हड्डियां है इसमें। रजा साहब, क्या ये सही कह रहे? अरे नहीं नहीं, मुझ में अभी भी बहुत ताकत है। अच्छा, आजमा कर देख लीजिए आप। इसे आजमाऊं? इसे? दो हफ्ते, सिर्फ दो हफ्ते दीजिए इन्हें, आपसे अच्छी बॉडी बनाकर दिखाएंगे ये।
क्यों रजा साहब? हाँ, दो नहीं, एक हफ्ते में मैं अच्छी बॉडी बनाऊंगा। चैलेंज? बिल्कुल चैलेंज सूबेदार। गुड मॉर्निंग पटेल अंकल। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हैं आप? दिखाई नहीं दे रहा, चश्मा लगा लो। दिखाई तो दे रहा है, आप पेंटिंग कर रहे हैं। जाओ यार जाओ, बड़े आए केयरटेकर बनकर। वैसे इस पेंटिंग में कुछ बात तो है। अब पेंटिंग्स के बारे में फिलोसफी तुम मुझे सिखाओगे? क्या देख रहे हो इस पेंटिंग में? जिंदगी से लड़ने की हिम्मत। अच्छा, एक डूबती हुई कश्ती में तुम जिंदगी से लड़ने की हिम्मत देख रहे हो? डूबती हुई कश्ती नहीं, एक बुलंद मजबूत कश्ती जो एक 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 कमजोर तूफान का मुकाबला कर रही है। तूफान कश्ती की हिम्मत को आजमा रहा है और कश्ती तूफान से लड़ती हुई किनारे की ओर बढ़ती जा रही है। जवान हो ना, इसलिए इस पेंटिंग को अपने नजरिए से देख रहे हो, लेकिन कल जब मेरी उम्र में पहुंचोगे, जब तुम्हें तुम्हारे ही घर से तुम्हारा अपना बेटा, तुम्हारी अपनी बहू धक्के मार मार के निकाल देंगे और तुम मेरी तरह ऐसे ही किसी वृद्ध आश्रम की छत तले जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे होगे ना, तब पूछूंगा ये कश्ती तूफान से लड़ रही है या तूफान कश्ती को बार बार थपेड़े मार रहा है। तुम्हारी पेशेंस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कैसे झेल लेते तुम इनकी बातों को? गुस्सा नहीं आता तुम्हें? गुस्सा तो उन्हें आता है जिन्हें ऊंची उड़ान भरने का शौक हो। और तुम ऊंची उड़ान उड़ना नहीं चाहते? वक्त ने मेरे परों को काट दिया। चलिए चलिए, नो रेस्ट, शुरू हो जाइए। मेजर साहब की धज्जियां उड़ानी। इट्स अ चैलेंज, अप डाउन। मॉर्निंग। यस, वन टू थ्री फोर। यस, शाबाश, बकर, मामा, ओके, बहुत अच्छे, यस, यस, यस। आज मैं आश्रम में एक नई सुबह देख रही हूँ। सलाली, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। क्या मतलब? आओ, आओ मेरे साथ। कहाँ? आओ तो सही, आओ। ओम, कसम खाता हूँ शांति की, शांति को नहीं देखने दूंगा, नहीं देखने दूंगा, मैं नहीं देखने दूंगा, मैं नहीं देखने दूंगा, मैं नहीं देखने दूंगा, मैं नहीं देखने दूंगा। देखो, पहले पूजा होगी मेरी, फिर टीवी देखोगी तुम। पहले टीवी देखूंगी मैं। नहीं, मैं टीवी को तोड़ डालूंगा। अरे ऐसा कैसे तोड़ दोगे? हाथ हिम्मत है तो हाथ लगा के देखो। हाथ की तोड़ दोगे? देखो, रिमोट दे, रिमोट दे। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। हम टीवी देखने आए। टीवी देखने आए हो? हाँ, सुना है बहुत अच्छी फिल्म है। हम वो लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं देखने दूंगा, नहीं देखने दूंगा। अरे ये फिल्म तो मैंने देखी है, इसके क्लाइमैक्स से पता चलता है कि हीरो ने खून किया है। आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने आपका कितने वक्त बचाया। आंटी, आप ये टीवी देखते क्यों हैं? और क्या करूं, मेरा दिल लगा रहता है इसमें। ये भी कोई दिल लगाने की चीज है? अरे अभी इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो आप खाक देख पाएंगे टीवी? आंखों की बर्बादी उसके ऊपर। मैं आपको एक आइडिया दूं, दिल भी लगा रहेगा, दिमाग भी बिजी होगा, और ये अंकल की टिंग टिंग है ना, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये देखिए,
ताश के पत्ते। तो फिर मैं आपको एक एक जादू बताऊं? जादूगर हो क्या? तो सही आंटी, जादूगर जादू कर जाएगा। इसमें से एक ताश निकालिए आंटी। क्यों निकालूं? अरे निकालिए निकालिए निकालिए। देखिए उसे। क्यों देखूं? देखिए देखिए। अब उसे आप इसमें डाल दीजिए। ले, बीच में डाल दीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि आपका पत्ता क्या था। मैंने आपको बोला कि ये आपका कार्ड है आंटी। आंटी यही आपका कार्ड है? आंटी हाँ है, कार्ड तो है। अब ऐसा करता हूँ कि मैं आपको ये ट्रिक सिखाता हूँ, मगर कल सिखाऊंगा। मुझे नहीं सीखनी है। कल सुबह आऊंगा आपको ट्रिक सिखाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है। गुड बाय। गुड बाय अंकल। कोई जरूरत नहीं आने की। बाय आंटी। बाय बाय। वेदांत, मैंने तुम्हें एक बात देखी है। तुम्हारी जुबान में मिठास है, हर कोई तुम्हारा दीवाना बन जाता है। प्यार चीज ही ऐसी होती है, वो गैरों को भी अपना बना लेती है। तुम्हारे अपनों में कौन कौन है? कोई नहीं, मम्मी पापा थे। मेरे भी मॉम डैड नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बहुत प्यार करते थे। बहुत प्यार। बहुत प्यार। उन्होंने जिंदगी भर सपने देखे और वो सपने मुझे सौंप कर वो इस दुनिया से चले गए। जब मैंने उन सपनों को हकीकत का रूप देने की कोशिश की तो मेरी आंख खुल गई। देखा चारों तरफ अंधेरा था, घनघोर अंधेरा। वेदांत, अंधेरे सदा के लिए नहीं रहते। हर इंसान की जिंदगी में रोशनी जरूर आती है, मगर ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी के उस दिए को ही बुझा दिया जिससे मुझे रोशनी मिल सके। You're okay? Excuse me. अरे रजा साहब, अब का तो दिमाग लगा दीजिए बस। हाँ आपके रजा साहब। चलो चलो चलो, ये क्या जीतेगा? ये हमेशा हारता ही रहता है। ठीक है ठीक है। ये रही मेरी चाल। अब ये चाल चलो। पुकार लिया ना यमदूत को? क्यों? तो ये लीजिए शह, आपकी बाजी मात, आपके हार। अरे क्या वेदांत मियां, तुमने तो इस पर बड़ी हिम्मत बढ़ाई थी मेरी कि मैं जीतूंगा। अरे नॉट टू वरी रजा साहब, एक और मार कर फिर कोशिश कीजिए। अरे पिछले 4 साल से ये सिर्फ कोशिश ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? ये कोशिश आखिरी होगी पटेल साहब, इस बार आप हारेंगे गारंटी। शुरू कीजिए आप। अच्छा तो ठीक है ठीक है, को हारती क्या? आइए आइए, नवी बाजी लगाते हैं। यहाँ कौन डरता है किसी से? ठीक है ठीक है। और चाल मेरी पहले है, ये चला मैं प्यादा। चला कॉपी मत करना। हाँ, हाँ, ये आ गया मेरा फीडा। सोच समझ के ये आ गए भाई। अरे ये तो घोड़े पे आ रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है, घोड़े के मुकाबले में घोड़ा है सब। अब दौड़ाइए घोड़ों को। मुझे इसे हराना है, तू ठहर जा एक मिनट जरा। हाँ ये लीजिए साहब, मैं यहाँ से इस बार तो मैं जीतूंगा। कर लीजिए। Yeah.
ये रजा साहब, सॉरी, लगता है इस बार भी आप हारने वाले हैं। क्यों विधान? लेकिन राजा साहब, मैं ये चाल चल कैसे सकता हूँ? इसके पीछे तो कोई जोर ही नहीं, यही चल देता हूँ। और ये मेरी शह, और मैं जीत गया, और मैं जीत गया, मैं जीत गया, माशाल्लाह मैं जीत गया, मुबारक हो, मैं जीत गया, थैंक यू, मैं जीत गया। थैंक यू, मैं जीत गया, तो मेरे रूम में क्या कर रही हो? मैं सच्चाई जानने आई थी। कौन सी सच्चाई? विधान, मैंने ये मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ लिए हैं। तुम जानते हो कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूं। अरे, इन डॉक्टर्स को तो बढ़ा चढ़ाकर बात करने की आदत है। बता मुझे फाइल। विधांत, इन मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम्हें कैंसर है, और इसकी डेट के हिसाब से तुम बस लास्ट स्टेज पर हो। तुम कभी भी हम लोगों को छोड़कर जा सकते हो। तुमने अच्छा नहीं किया विधांत। दूसरों को जिंदगी देकर तुम अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करते रहे। तुमने ये भी नहीं सोचा कि हम लोगों पर क्या बीतेगी। जब जाना ही था तो आए ही क्यों? मैं कम वक्त में ज्यादा जीना चाहता था। इसे जीना नहीं, अपने आप को धोखा देना कहते हैं। तुमने बहुत गलत किया विधांत। मैं सबको सब कुछ सच सच बता दूंगी। नहीं सोनाली, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। मैं उन लोगों को दुखी देखकर अपनी मौत को गमगीन नहीं करना चाहता। तुम प्लीज किसी को कुछ नहीं बताओ। क्या बात है शांति, बड़ी चुप चुप बैठी हो। बस यूं ही। अरे हाँ, आज मैं बाजार चला गया था, वहां मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, मैंने तुम्हारे लिए खरीद दी शांति। अच्छा शांति, आज कौन सा दिन है? कौन सा? तुम्हें याद नहीं क्या? आज से 45 साल पहले आज ही के दिन हम एक दूसरे के जीवन में आए थे। अरे हाँ, आज हमारी शादी की सालगिरह है। शांति, हाथ लाओ। वैसे मैं भी आज बाजार गई थी। अच्छा? हाँ, वो मुझे भी एक चीज पसंद आई, मैं आपके लिए ले आई। अरे, इसका मतलब तुम्हें भी याद था? याद करने के लिए हम दोनों ही तो रह गए हैं। हम भी अगर एक दूसरे को याद नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? अरे, लाइट चली गई। तो क्या हुआ?
बाहर देखिए, चांद की रोशनी हमारा साथ दे रही है। हम बाहर जाके चांदनी रात में अपनी शादी की सालगिरह मनाएंगे। चलिए। काश आज हम अपने घर होते, हर आज का दिन अपने बच्चों के साथ गुजारते। शांति, जो चीज हमारे भाग्य में है नहीं, उसके बारे में सोचने से क्या फायदा? मुबारक हो शादी की सालगिरह। ये इतना सब कुछ अचानक? अचानक नहीं मियाँ, ये बहुत प्लानिंग के बाद हुआ है। और जानते हैं ये प्लानिंग किसने की है? हमारे मियाँ वेदांत ने। वेदांत बेटे, तूने ये सब कुछ पराया होने के बावजूद किया है। पटेल अंकल, चाहो तो सब अपने, ना चाहो तो अपने भी पराए। इतना तो कभी हमारे बेटे ने भी हमारे लिए नहीं किया। बेटा? लेकिन हमारा बेटा तो कोई है ही नहीं। यकीन मानिए, हमारा कोई बेटा नहीं है। हम तो बेवलाद हैं। बेवलाद। सुनिए, रोइए मत, हम माँ बाप हैं। माँ बाप के आंसू बच्चों के लिए बद्दुआ साबित हो सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारे बेटे को कोई तकलीफ पहुंचे। मत रोइए। एक बात बताऊं आपको, ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब किया है इन्होंने। ध्यान बेटे, तुमने झूठ बोलना कब से शुरू किया है? ये हमारी औलाद है, हमारा खून है। ये वही है जिसने अपनी बीवी की खातर हम दोनों बुड्ढा बुड्ढी को धक्के मार के घर से निकाल दिया था। इतना बेइज्जत किया था जितना कोई जंगली जानवरों को भी नहीं करता। पापा, हमें माफ कर दीजिए। माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी। आपको घर से निकालने के बाद हम कभी भी खुशी से नहीं रह सके। पटेल साहब, क्या देख रहे हैं? माफ करिए, आप इतनी बेदर्दी से पेश आएंगे तो माँ बाप और औलाद में फर्क क्या रहेगा? Come on यंग मैन। पापा प्लीज, प्लीज हमारे साथ घर चलिए। नहीं, हमारा अब वो घर नहीं है। हम दोनों ने इस आश्रम को अपना घर मान लिया है और यहाँ के सारे लोग यही हमारे रिश्तेदार हैं। और हमारा सबसे बड़ा रिश्ता है इससे, ये हमारा बेटा है, इसने हमें जीना सिखाया है। समझ लो कि ये हमारी जिंदगी है। और जिंदगी कोई हंसते खेलते नहीं छोड़ता। बेटे, तुम लोग ये मत समझो कि तुम अकेले हो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ठीक है, लेकिन कम से कम इतनी इजाजत तो दीजिए कि हम आपसे आकर यहां मिल सकें। देखो, हम दोनों के लिए उस घर के दरवाजे बेशक बंद हो गए, लेकिन यहां के दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। ओफो, ये क्या रोना धोना लगा रखा है, आज खुशी का दिन है। कम ऑन, लेट्स डांस। कम ऑन, आओ बेटा, चलो आइए 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 माँ जी, कम ऑन। खेलूं चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से।
खेलो चाहे कली से प्यार करो सारा जहां है मेरे ये लो पानी पियो बुरान जी लो पानी पियो बुरान सांस लेने की कोशिश करो हे भगवान मैं क्या करूं इस वक्त तो यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा विदांत विदांत प्रेजेंट आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं पार्टी तो बाहर है ना आप सब रो क्यों रहे तुम झूठे हो तुमने हमसे झूठ कहा था तुमने हमें धोखा दिया है तुम ऐसा नहीं कर सकते नहीं कर सकते ऐसा हम तुम्हें नहीं जाने देंगे मैं कहीं नहीं जा रहा हूं कहीं नहीं जा रहा हूं मैं देखो बनने की कोशिश मत करो हमें सोनाली ने सब कुछ बता दिया है तुम हमें छोड़कर जा रहे हो नहीं आश्रम छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा क्यों पार्टनर मुझे जगाकर खुद सोने की तैयारी में जा रहे हो जाना तो मुझे पड़ेगा अब मैं रुक नहीं सकता मगर मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूं बस कुछ दिनों की छुट्टी फिर हम सब मिलेंगे वहां पर नहीं हम तुम्हें नहीं जाने देंगे खुदा के लिए मत जाओ आप जानते हैं मैं एडवांस में क्यों जा रहा हूं वहां भी ऐसा ही एक प्यारा आश्रम खोलना है जहां हम सब मिलजुल कर रहेंगे आप सब आएंगे ना हाँ मेजर रजा साहब एक बात बताऊं आपको वो जो इंग्लिश में आपको दिया करता था ना वो असल में शराब नहीं थी वो काढ़ा था वो काढ़ा आप पीते रहिएगा आपको मेजर से अच्छी बॉडी बनानी है पटेल आंटी वो जो ताश का खेल में आपको सिखा नहीं पाया ना वो सोनाली आपको सिखाएगी हाँ आप सब वादा कीजिए कि आप इस आश्रम में यही प्रेम इसी खुशी के साथ रहेंगे आप जिस दिन ये चला गया आप समझिए या नहीं सोचना है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए कम जियो मगर खुलकर जियो ताकि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी मौत नहीं जिंदगी ही जाएं